राहुल गांधी ने किसानों के नाम चिट्ठी लिखी है, बड़ी जानकारी बड़ी खबर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने किसानों के संघर्ष को सलाम किया है चिट्ठी लिखकर, और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, MSP मिलना जरूरी है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। देश भर में आज किसान विजय रैली निकालेगी कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया और किसानों के समर्थन में ये रैली निकाल रही है कांग्रेस। कल आप कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस बखूबी देख रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का किसानों के नाम समर्थन पत्र गया है, चिट्ठी गई है, और वो कह रहे हैं कि आज किसान के हक में आज रैली निकालेंगे और कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली जाएगी, किसान विजय रैली। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर, राहुल गांधी बाकायदा चिट्ठी लिख गए हैं और चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि किसानों के समर्थन में विजय रैली निकाली जाएगी। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई थी, जबकि राहुल गांधी साहब को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। विपक्ष का बड़ा चेहरा राहुल गांधी साहब हैं कि कहा जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खैर, उससे अगर हटके बात करें तो इस चिट्ठी का क्या मतलब है, आज किस तरीके से रैली निकलेगी और बखूबी इसका फायदा क्या 2022 में कांग्रेस को मिलता नजर आएगा? निश्चित तौर पर हर्ष, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद से ही समूचा जो विपक्ष था, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के सहारे जो है अपनी राजनीति चमकाने में तो जरूर लगी थी। लेकिन राहुल गांधी चूंकि कई मौकों पर कई बार ये कह चुके थे कि सरकार के पास इन बिलों को वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए अब राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने तो पहले जो उनके पहले के ट्वीट थे उनको रिट्वीट किया और उसके बाद एक बाकायदा ओपन चिट्ठी लिखी है किसानों को, जिसमें कहा है कि आपके तब संघर्ष और बलिदान का नतीजा है जो आपने एक सरकार को झुकाया है, और उसमें तमाम PM पर निशाने भी साधे हैं। साथ ही कहा है कि जो 700 किसान शहीद हुए उनकी शहादत के लिए मैं आपके साथ नतमस्तक हूं। इसके अलावा कहा है कि आगे ये संघर्ष अभी जारी रहेगा, MSP पर अभी गारंटी कानून, शादी बिजली कानून में जो संशोधन हुए उसमें बदलाव, तमाम ऐसी मांगे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो राकेश टिकैत ने कहा था कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, वही जो बात है राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में दोहराई है। लेकिन इसका मतलब एक साफ है, क्योंकि आखिर में उन्होंने PM पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसका एक रोड मैप तैयार करिए और जो आपने कहा था उसको पूरा करिए। साथ ही कहा है कि किसान जब तक भी संघर्ष करेंगे, आगे भी जब भी किसान आंदोलन करेंगे, मांगे अगर जायज होंगी तो मैं खुद राहुल गांधी और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। इसका एक ही मकसद है, 2022 में चुनाव है कई राज्यों में और ऐसे में किसान एक बड़ा सहारा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। यही वजह है कि विपक्ष ने स्वागत भी किया, लेकिन जो पॉलिटिकल एडवांटेज को भी कहा, उन्होंने कहा टाइमिंग पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए। साथ ही प्रियंका ने तो यहां तक कह दिया कि इस सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, तो अब देखना यही होगा कि इसका जो फायदा है, क्योंकि BJP का एजेंडा है कि उनको जो चुनावों में हार मिली उनको पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें खिसकती नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं राजनीति हो सकती है। लेकिन विपक्ष को इसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि विपक्ष काफी दिनों से किसानों के सहारे उत्तर प्रदेश में, खासकर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पिछली बार के चुनाव में हमने देखा था कि BJP ने सपाट कर दिया था वो पूरा इलाका, सभी विपक्ष को धराशायी कर दिया, तो उस इलाके में एक बार फिर से BJP कमल खिलाने में कामयाब होती है अब इन बिलों को वापस लेने के बाद। हर्ष, यानी हैदर, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा था किसान आंदोलन, अब इसी मुद्दे को एक नए सिरे से बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सोनी का, इसमें कोई दोहराई ही नहीं है, क्योंकि सभी को ये उम्मीद थी कि 2022 के चुनाव में और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का एक अहम मुद्दा रहने वाला है, और विपक्ष पूरा इस चीज को भुनाने में लगा भी था। लेकिन एंड मोमेंट पर आकर PM नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान कर दिया कि हम अपने कृषि कानून बिलों को वापस लेते हैं, रीअपील करेंगे उनको, तो अब कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए जो एक बड़ा मुद्दा था वो भी खत्म हो गया, और अब BJP इस चीज को किसानों के बीच पहुंचाने की कोशिश करेगी कि भले ही देर से सही, लेकिन हमने आपकी बात मानी, आपका जो आंदोलन चल रहा था उसका सम्मान करते हमने वापस लिया, और विपक्ष टाइमिंग पर सवाल उठाएगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये फैसला कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में BJP को फायदा भी पहुंचा सकता है, क्योंकि वो पूरी जाटलैंड मानी जाती है और जाट हमेशा ज्यादातर BJP के साथ रहे हैं सोनी।